हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है। यस दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ न्यू प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है, इस वीडियो में डिटेलिंग हर चीज देखते हैं और एडमिशन डेट कब तक एक्सटेंड किया है, कब तक स्टूडेंट अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो इस चैनल पर एंड तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे रिलेटेड फॉर एजुकेशन। तो दोस्तों, देखते हैं कि जैसे कि आपको ये नोटिस दिख रहा है स्क्रीन पे कि बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस FY न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस फ्रॉम द एकेडमी ईयर 2021-22। मतलब कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस बार न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को लेकर। साथ ही साथ MCA मैथमेटिक्स एंड MCA कंप्यूटर साइंस CBCS जो पैटर्न था उनका है, और इनका जो एडमिशन डेट है दोस्तों 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में आप कभी भी एडमिशन करवा सकते हो। FY BA, FY BCOM, FY BSc IT, FY BSc कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये CBCS पैटर्न के जितने भी स्टूडेंट है। एनुअल पैटर्न की बात नहीं करो, इधर आपको दिख रहा है CBCS कि जितने भी स्टूडेंट हैं इनके भी डेट को एक्सटेंड कर दिया है 10 दिसंबर तक, या अभी भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो पार्ट वन के हैं MA के साथ आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है। साथ ही साथ MA जो ज्योग्राफिकल था, ठीक है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने फिर से न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया हुआ था ज्योग्राफी, आप उसी से भी जा सकते हो। बाद में MCOM जो अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, ठीक है, बाद में MA एजुकेशन, ये सभी स्टूडेंट का भी डेट को एक्सटेंड कर दिया है 10 दिसंबर तक का, ठीक है। अच्छा, और एक अपडेट दे दूं, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भाई MCOM जो है वो अब सेमेस्टर पैटर्न में हो गया, तो एनुअल पैटर्न होने वाला है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप MCOM पार्ट वन पार्ट टू आपको सेमेस्टर पैटर्न में मिलेगा, सेम वन सेम टू सेम थ्री सेम फोर आपको अब ये एनुअल पैटर्न में नहीं मिलेगा। जिस तरीके से कॉलेज में हुआ करता था, सेम मुंबई यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपडेट कर दिया। देन दोस्तों, उसके बाद है SY BA, SY BCOM, SY BSc IT, सेम थर्ड सेम फोर CBCS पैटर्न के जितने भी स्टूडेंट है, TY BA, TY BCOM एनुअल पैटर्न दोस्तों, देन TY BSc IT CBSC पैटर्न के जितने भी स्टूडेंट है उन सभी का। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के भी जो स्टूडेंट है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इनके भी डेट को एक्सटेंड कर दिया है 10 दिसंबर तक। मतलब मैक्सिमम कोर्स के स्टूडेंट के डेट को अपडेट कर दिया, जैसे कि ऊपर मैंने MA पार्ट वन का बताया, नीचे MA पार्ट टू है आपका, जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ में MA पार्ट टू एजुकेशन के भी जितने स्टूडेंट हो एनुअल पैटर्न के, फिर MSc पार्ट टू या MCA के जो स्टूडेंट है, इन सभी के भी डेट को एक्सटेंड कर दिया है 10 दिसंबर तक। मतलब कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप जा सकते हो, आराम से आप अपना एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपके एडमिशन डेट को एक्सटेंड कर दिया। आप इजिली जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बनाया, आपको इस तरीके से लिंक दिया, आप रजिस्टर कीजिए, न्यू ID क्रिएट कीजिए और उसके बाद आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट कीजिए, आपको जो कोर्स सिलेक्ट करना है वो कोर्स सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए और फिर रिसीव अपने पास रखिए, बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके आपको सबमिट करना होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।